कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 2 है प्राणियों में पोषण। प्रश्न नंबर 10 है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। मानव के पाषण पोषण के अंदर मतलब मानव किस प्रकार भोजन करता है उसमें, और अमीबा जो कि एक कोशिकीय प्राणी है वो अपने शरीर की सभी क्रियाएं एक कोशिका से ही पूरा करता है, तो उनके पोषण में हमें एक समानता लिखनी है और एक अंतर लिखना है। समानता क्या है? मानव और अमीबा दोनों में ही अवशोषित पदार्थ, पाचन के द्वारा जो अवशोषित पदार्थ होते हैं वे उनके शरीर की वृद्धि के लिए और शरीर के रख रखाव में सहायक होते हैं, मतलब टूट फूट की मरम्मत को करते हैं। अंतर क्या है? मानव में बिना पचावा अपशिष्ट पदार्थ, बिना पचावा जो भोजन होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे गुदा के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, जबकि अमीबा में बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य ध्वनि के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो दोनों में समानता क्या है? मानव और अमीबा दोनों में ही अवशोषित पदार्थ उनके शरीर की वृद्धि और शरीर के रखरखाव में सहायक होते हैं। अंतर है, मानव में बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ गुदा के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जबकि अमीबा में बिना पचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य धान्य के द्वारा बाहर निकाला जाता है। कॉलम ए में दिए गए प्रश्न नंबर 11 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। कॉलम ए है और कॉलम बी है, हमें कुछ मिलान करना है। कॉलम ए के अंदर पहला है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि हमारे मुंह में जो लार होती है, लार ग्रंथि होती है उसे कहते हैं। लार ग्रंथि द्वारा क्या होता है? लाला रस यानी कि लार, लार यानी कि थूक, थूक का स्रवण होना। लाला ग्रंथि क्या काम करती है? लाला रस या लार का स्रवण करना। आमाशय, आमाशय क्या करता है? हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रवण निर्माण करता है, जो भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। तो आमाशय अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यकृत, यकृत के द्वारा पित्त रस का स्रवण होता है, जो कि वसा के पाचन में सहायता करता है। मलाशय, मलाशय मतलब जहाँ पर जो बिना पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हुए पहुँच जाते हैं, मल का त्याग, मल मतलब बिना पचावा अपशिष्ट पदार्थ, मल का त्याग। क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र हमारे शरीर में क्या होता है? क्षुद्रांत्र के पाचन का पूरा होना, क्षुद्रांत्र क्या काम करती है? पाचन का पूरा होना। बृहदांत्र, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करती है? पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण करती है। वापस सुन लीजिए, लाला ग्रंथि जो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है वो लाला रस या लार का स्रवण करती है। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यकृत पित्त रस का स्रवण करता है, जो भोजन के वसा भाग का पाचन करता है। मलाशय मल यानी कि बिना पचावा अपशिष्ट भोजन का त्याग करता है। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत, जहाँ पर हमारे पाचन का पूर्ण होना होता है। बृहदांत्र, बृहदांत्र मतलब जल का, बड़ी आंत यानी कि जल का जो पचावा भोजन होता है उसमें से जल का अवशोषण करती है। धन्यवाद।